बता चुके हैं। सो मैं अशोक कुमार गिरी नेपाल से हूँ, कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट से। और लॉन्ग टाइम पहले मैं कतार में एक कंपनी में काम करने के लिए गया था। और आप लोगों को सब कुछ मैं कैसे मैं काम करता था, किस तरीके से मैं डिएक्शन में स्ट्रगलर किया और किस तरीके से काम करके करके जो हम आज आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बोल के नहीं, मैं आपको सब कुछ जो है अभी पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरीके से जो है हम लोग अगर फ्लो करेंगे कि हम लोगों को भी अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को भी बहुत सारा हेल्प हो सकता है इस प्रोग्राम से। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर, जिनकी वजह से आज हम लोग कुछ भी हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारा स्पॉन्सर जो हम लोग को डिरेक्शन में ज्वाइन करते हैं, और हमारे आइडियल जो हम लोगों को एक आइडिया शेयर करते हैं, और हमारे यहाँ पे ग्रेट लीडर्स जो हैं जो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम लोगों को जो है अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ में जो शेयर करने का मौका देते हैं। सो ये सब चीज़ जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने बोलने वाला हूँ। सो डियर ऑल, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। हम लोग को लाज और शर्म नहीं लगना चाहिए। आज हम इस फील्ड में काम करते हैं तो हमारा कंपनी का जो ये कि यही है नारा जो है, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, तो हम लोगों को बोलना चाहिए। कभी कभी होता है हम कोई फील्ड में होते हैं, बाहर के ज्यादा लोग होते हैं, कभी कॉल आता है, ठीक है, तो गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलना हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम फील होता है। लेकिन अगर हम अपना बिजनेस अगर लोगों से छुपाएंगे, अगर हम लोगों को लाज लगेगा या शर्म लगेगा, तो हम उतना स्ट्रोंग इस बिजनेस में नहीं बन सकते हैं, उतना आगे हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो लोग आपको फ्लो नहीं करेंगे, आपके साथ लोग खड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके वजह से हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा कल्चर है, जो डॉक्टर लिम सियो जी ने जिस चीज को हम लोगों के साथ में मतलब प्रस्तुत किया हुआ है, तो वो सब चीज जो हम लोगों को बिंदास बोलना चाहिए, कोई लाज शर्म नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोगों को आज से क्या करना है, हमारा ये कल्चर है, हम लोगों को बोलना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट आज का जो मेरा सेशन रहेगा, सो पार्ट इज यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई वी नीड डिएक्शन एंड सक्सेस स्टोरी। तो इसके बारे में जो है आज हम लोग बात करेंगे। काफी चीज जो है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। सो आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाएगा। ऑल पीपुल्स नीड यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक आदमी को एक चीज का आवश्यकता है, मतलब सिर्फ बहुत ऐसे लोग हैं जिनको काफी चीज है जो उनको आवश्यकता है, जिनको वो जरूरी है। अगर ये चीज अगर हम पता लगा लें कि लोगों को जरूरी क्या है, और उसी के ऊपर हम अगर काम करना शुरू करें, तो आई थिंक हम लोगों को बिजनेस करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। हम बहुत ही जल्दी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, सो हर एक आदमी को जरूरी है, ठीक है, वो चीज है ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ग्रोथ का मतलब है अगर हम कोई भी जगह पे अगर हम काम करते हैं, या कोई भी लोग, ठीक है, कोई भी इंसान लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो खुश कभी भी नहीं होगा। अगर वो मान के चलो कि हम लोग डिरेक्शन में जुड़ गए, ठीक है, डिरेक्शन में जुड़ने के बाद में ओके, बहुत लोग हमको कन्विंस किए, मैं डिरेक्शन में आ जाए, एक बिजनेस पार्टनर हो गया, ठीक है। अगर मैं उसके बाद अगर मैं स्टार जन नहीं बना, अगर मैं स्टार रूबी नहीं बना, ठीक है, तो अगर हमारे अंदर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हमको वो चीज हम अचीव नहीं कर सकते हैं, हमको वो खुशी नहीं मिलेगा जो खुशी हम लोगों को चाहिए। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोग नहीं, संसार में जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी उठा के देख लो, कभी कभी ऐसा होता है सफल लोग भी, आपने देखा होगा अभी न्यूज में सब चल रहा है कि सफल लोग क्या कर रहे हैं, अभी सुसाइड कर रहे हैं, आपने देखा होगा। सफल लोग भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सफल हैं, ठीक है, पहले क्या थे, आज उससे वो लोग आगे हैं, उसके बावजूद भी आज वो लोग क्या फील कर रहे हैं, मतलब उन लोग को ऐसा बोर फील हो रहा है, ठीक है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम फील हो रहा है। ये सब चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका ग्रोथ जो है अभी स्टॉप हो रहा है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से उन लोगों को ये सब चीज जो है करना पड़ता है। तो हम लोगों को
ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हर एक लोगों को ये चीज सिखाना चाहिए कि हमारा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो किस किस के ऊपर हमारा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स ग्रोथ, ठीक है। अगर हम लोगों को लाइफ में अगर खुश रहना है, ठीक है, या किसी को भी अगर लाइफ में खुश रहना है, तो उनका जो दोस्ती है ना उसके ऊपर भी उनका क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पहले प्रॉब्लम होता है पैसा, उनको पैसा चाहिए, ठीक है, पैसे के बाद में उनको मान सम्मान चाहिए। और मान सम्मान आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, जब आप लोगों को हेल्प करेंगे, जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे, ठीक है, जब आपका एक बड़ा टीम होगा, आपका एक अच्छा दोस्त होगा जो बोलेगा यार आप जैसा दोस्त पाके मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, आपका जैसा दोस्त भगवान सबको दे, ऊपर वाला सबको दे, ठीक है। ये सब चीज जब आप सुनते हैं ना तो आप लोगों को वो हैप्पी मतलब हैप्पीनेस फील होता है, आपको वो खुशी मिलता है, राइट। तो हर एक लोगों को जो है फ्रेंड्स का ग्रोथ होना चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं काम करने के लिए जाते हैं, वो एक जगह पे काम करते हैं और काम करते करते किस तरीके से उनका जो है फैमिली, ठीक है, मतलब बड़ा हो जाता है, किस तरीके से वो अपने काम में बिजी रहते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो किसी से बात तक नहीं कर पाते, ठीक है, और वो क्या करते हैं एक या दो तीन लोगों के बीच में ही सीमित रहते हैं, उनका कोई फ्रेंड्स नहीं होता है, उनका कोई भी दोस्त का जो ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रोथ हर एक लोगों को जरूरी है और हर एक लोगों को ग्रोथ मतलब करना चाहिए। वो हमारे अगर मान के चलो फ्रेंड्स के हिसाब से अगर हम लोगों को ग्रोथ करना है तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स का ग्रोथ हम कर सकते हैं। अभी मान के चलो मैं अशोक कुमार गिरी, मैं आज ये कंपनी में वर्कर था, मैं कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो मेरे टीम के अंदर 54,000 लोग हैं जिनमें अच्छे दोस्त हमारे पास हमारे साथ अभी उस टीम के अंदर हैं। तो जो ग्रोथ हो रहा है फ्रेंड्स का जो ग्रोथ हो रहा है, बाय द वे अगर हमको कोई प्रॉब्लम होता है, अगर हमको कहीं जाना है तो हमको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ठीक है, हमको हमको क्या होता है वो हैप्पी फील होता है कि हमारे दोस्त वहां पे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ग्रोथ है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि मतलब किस चीज पे होना चाहिए, हर एक चीज पे जो है हमारा ग्रोथ होना चाहिए। नेक्स्ट नॉलेज का ग्रोथ, ठीक है, जो ज्ञान का ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, देखिए अभी जैसे हम लोग डिएक्शन बिजनेस के साथ जुड़े हैं, अभी मैं सुना था जब मैं डिएक्शन में आया था तो हमारे स्पॉन्सर थे धन कुमार सर, जिनको लिखना नहीं आता था, अच्छा से पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो उनको ये क्या हो रहा है, ज्ञान का ग्रोथ हो रहा है, आज वो अच्छा से लिख सकते हैं, आज वो अच्छा से पढ़ सकते हैं और लोगों को जो है अच्छे तरीके का जो है ज्ञान वो दे रहे हैं। मैं भी उसी में से एक हूं कि जब मैं कतार में डिरेक्शन ज्वाइन किया था, मैं जो काम कर रहा था उससे कुछ मुझको अलग करना पड़ेगा अगर हमको कुछ अलग पाना है तो, इस उद्देश्य के ऊपर जब मैं डिरेक्शन ज्वाइन किया था तो हमारे बहुत ऐसे दोस्त थे, ठीक है, जब मैं उनको डिरेक्शन के बारे में बात किया, ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, ये सब बकवास है, ये करने का चीज नहीं है, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, इनको ज्यादा बोलना आता है, ज्यादा बात करना आता है, ये हमको चूतिया बनाएंगे, उल्लू बनाएंगे, हमारा पैसा लेंगे, ठीक है, और ये अपने आगे जाएंगे, हमको आगे लेने हम लोगों को आगे लेके नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रहा था कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहता हूं तो मुझको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और उस समय मैं धन कुमार सर से जो हमारे यहाँ पे जो बहुत ऐसे लीडर्स हैं उनसे मैं ज्ञान क्या सीखा था कि हम आज डिएक्शन कंपनी में जुड़े हैं, डिएक्शन कंपनी का सबसे फर्स्ट जो है मतलब प्रायोरिटी है हेल्थ, हमको स्वस्थ रहना है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो खराब चीज है, ठीक है, जो हम खराब चीज यूज करते हैं, ठीक है, जो बेड हमारा हैबिट है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे हेल्थ के लिए मतलब नुकसान करता है, जैसे हम बहुत ऐसे लोग हैं सिगरेट यूज करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसा मतलब पान पुकार ऐसा चीज यूज करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, ये सब चीज क्या करता है, हमारे हेल्थ के लिए नुकसान करता है, पहले तो ये चीज छोड़ना चाहिए। ये चीज जब मैं सुना कि अरे यार ऐसे लोग हैं जो हमारे हेल्थ के बारे में हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है, समझाते हैं, हमारे हमारे लाइफ के बारे में वो बताते हैं, ये सब चीज जो है हम लोगों को पसंद आ रहा था, ठीक है, हमको पसंद आ रहा था। तो ये नॉलेज
ये ऐसा आदमी हमको दिया, जो आदमी आरडी लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था, तो 100% यहाँ पे डिएक्शन में जो है ना नॉलेज का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो वो भी जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, नॉलेज का ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे लीडर्स हैं, अभी हमारे टीम के अंदर बहुत ऐसे लीडर्स हैं जिनको कंपनी में काम करना, उसके बाद में उनको कुछ नहीं पता था हमको क्या करना चाहिए, लेकिन आज उनको वो क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा जो है थिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं, उनको बड़ा बड़ा ड्रीम्स आ रहा है। आज वो कोई बोल रहा है मैं गाड़ी लूंगा, कोई बोल रहा है मेरा इनकम 1 लाख बनाना है, कोई बोल रहा है मैं ग्रुप पे ज्यादा स्टारडमर बनाना है, कोई लोग बोले मैं आने वाले टाइम में क्राउन एम्बेसडर बनना है, हमारा इनकम ज्यादा होना चाहिए। ये सब चीज क्या कर रहे हैं लोग, ज्ञान जो है अभी यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट इनकम ग्रोथ। अगर हम बहुत ऐसे लोग हैं, काफी लोग बोलते हैं, मुझसे भी बहुत ऐसे लोग क्वेश्चन किए थे, अशोक जी आप लोग इतना खुशी क्यों हो, आप लोग इतना हैप्पी कैसे रहते हो। तो मैं बोला हैप्पी ना होने का वजह क्या है, हमारे पास हैप्पी ही हैप्पी होने का सब कुछ हमारे पास है। तो मैं उन लोगों को क्या देख रहा था कि वो लोग मतलब स्ट्रगल करके अगर वो अचीवमेंट कर रहे हैं, जैसे मान के चलो मैं मेहनत करके 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 मैं पढ़ाई पूरा किया, उसके बाद में मैं 50,000 नौकरी जाके मैं किया, आज उनको प्रॉब्लम क्या है कि वो इतना मेहनत करके जब वो आज उनको 50,000 का सैलरी मिल रहा है, तो वही प्रॉब्लम क्या है कि वो इनकम में ग्रोथ नहीं हो रहा। उनको 60,000 मिलना इतना ईजी नहीं है, उनको 70,000 रुपया मिलना उनको ईजी नहीं है, उनको 80,000 रुपया मिलना इतना ईजी नहीं है। इसके वजह से उनके पास डिग्री है, ठीक है, उनके पास वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं बाहर, और हमसे ज्यादा मेहनत करके आज उन्होंने एक पोस्ट अचीव किया हुआ है, एक डिग्री अचीव किया हुआ है, लेकिन आज उनका इनकम ग्रोथ ना होने की वजह से आज वो लोग हैप्पी नहीं है। तो इनकम में भी हमारा ग्रोथ होना चाहिए। और ये एग्जांपल है मेरा, ये मैं मेरा खुद स्टेटमेंट है इनकम ग्रोथ के बारे में। अगर आप बात करेंगे तो अशोक कुमार गिरी मेरा नाम आप देख सकते हैं, ये 6 जुलाई 2017 का मेरा बोनस स्टेटमेंट है। जिस समय मेरा इनकम था 7,788 रियाल था, मान के चलो 7,000 7,500 रियाल था मेरा। आज अगर आप 17 के बारे में बात करेंगे तो उसके पहले आप नीचे अगर आप देखेंगे, शायद यहाँ पे आई एम सॉरी नहीं माउस नहीं काम कर रहा, आप नीचे देखिए वहां पे लिखा हुआ है 6 जून 2019, यानी कि सिर्फ 16-17 महीने के अंदर आप काउंट कर सकते हैं, 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है, 16-17 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो 17,293, यानी कि दो मतलब डबल 7,000 से 17 मतलब 10,000 का इंक्रीज जो है अभी डिएक्शन में 12-15 महीने के अंदर हो रहा है। इनका मतलब क्या हुआ कि इनकम का ग्रोथ हो रहा है। हम हैप्पी क्यों है, हम हैप्पी इसकी वजह से है कि हमारा जिस तरीके से अभी एक्सपेंस बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा जो है नीड्स बढ़ रहा है, उससे ज्यादा हमारा इनकम बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम लोग खुश हैं। और हम थैंक्स कहते हैं हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियो जिन, जिन्होंने इस तरीके से बेस्ट मार्केटिंग मतलब प्लान हमारे बीच में लेके आए, ठीक है। तो ऐसे लोग क्यों अनहैप्पी होते हैं सक्सेस होने के बाद में कि उनका इनकम के ऊपर ग्रोथ नहीं है, और हमारा क्या होता है इनकम के ऊपर ग्रोथ होता है। 17 मतलब मान के चलेंगे अभी कुछ दिन डिएक्शन करने के बाद में अभी हमारा लाइफ इनफ नहीं, अभी बिगनिंग अभी शुरू हो रहा है लाइफ डिएक्शन में, राइट। अभी वैसे ही हमारा लाइफ शुरू हो रहा है, इस समय जिस तरीके से हमारा इनकम आ रहा है, आने वाले टाइम में हमारा इनकम किस लेवल पे पहुंचेगा आप लोग सोच सकते हैं। तो हम लोग हैप्पी रहेंगे या नहीं हैप्पी रहेंगे, तो हर एक आदमी को इनकम में ग्रोथ होना चाहिए। डीएक्शन से बेटर इनकम में ग्रोथ हर जगह कोई जगह पे हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात हेल्थ ग्रोथ, स्वास्थ्य के बारे में अगर आप देखेंगे तो पहले हम भी अभी जैसे कोरोना वायरस आया, बहुत ऐसे लोग टेंशन में है, चिंता में है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन डीएक्शन में जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिन्होंने दिल से डीएक्शन किया, उनको कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि कोरोना वायरस एक वायरस है, अगर हमारा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अगर स्ट्रोंग रहा तो ये वायरस हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हम लोगों को मतलब हमने बहुत सारे न्यूज में या बहुत ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनका रिसर्च हमने उठा के देखा, जिन्होंने क्या कहा कम से कम दिन में 3-4 बार गर्म पानी पीते रहिए। हमारे पास सिर्फ गर्म पानी नहीं है, हमारे पास ब्लैक कॉफी है जिसमें ग्यानोडर्मा मिक्स है,
जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को तो स्ट्रोंग करता है, जो टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर आता है उसको भी क्या करता है, रिमूव करता है। इतना परफेक्ट चीज हमारे पास है। तो ये सब चीज हमको चार नहीं, हमको हमने 6 पीना शुरू किया, 8 पीना शुरू किया, तो हम लोगों को क्या हुआ, हमारे अंदर एनर्जी आ रहा था, हम लोगों को ये चीज 100% फील हुआ कि हम जो है हमारा हेल्थ तो परफेक्ट है, आने वाले टाइम में हमारा हेल्थ और भी परफेक्ट होगा। ये ग्रोथ कहाँ से आ रहा है, अभी हम डीएक्सएम का प्रोडक्ट हमारे साथ, इसकी वजह से ये ग्रोथ हमारे अंदर आ रहा है, ठीक है। और बहुत ऐसे लीडर्स के अंदर ये ग्रोथ आ रहा है। अगर ये चीज हमारे पास नहीं होता तो आज बड़े बड़े लोग आज डर के जी रहे थे, लोग डर के जी रहे क्योंकि उनके पास पैसा है। अगर कोरोना वायरस आ गया तो उनके अभी मेडिसिन नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक ही चीज का प्रॉब्लम था, एक ही चीज हम लोगों को जो है प्राउड फील होता था कि कोरोना वायरस आ गया तो आ गया, वर्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास तो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति स्ट्रोंग करने का दुनिया का सबसे बड़ा पावर हमारे पास है। तो इसकी वजह से जो है हेल्थ ग्रोथ हम लोगों को हो रहा है और हम लोगों को इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग काम करते जाएंगे। हमारे लिए काफी अच्छा होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, सॉरी, हम पर्सनालिटी ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे। काफी लोगों को पता है ये हर एक आदमी का ड्रीम है, हर एक आदमी का सपना है, लेकिन ये इतना इजीली पूरा नहीं होता है, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये नहीं है कि मतलब ये लोग सिर्फ बात करते हैं, मैं आपको प्रत्यक्ष, ठीक है, आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ कि ये मैं हूँ अशोक कुमार गिरी, जो आज के कुछ साल के पहले कतार में आज एक कंपनी में मैं वर्कर लेबर वीसा में मैं काम करता था। हर एक आदमी का सपना होता है कि हम फिल्म देखते हैं, हम बोलते हैं वाओ कितना अच्छा है, लेकिन हमको वाओ बोलने वाला आदमी मैं, मतलब मुझको वाओ बोले मैं ऐसा कब बनूंगा, या मैं एक हीरो जैसा आगे खड़ा होके हमारे आगे अडियंस होना चाहिए, ये पोजीशन कब आएगा, हर एक आदमी का ये बड़ा सपना है, ठीक है। पर्सनालिटी ग्रोथ, जो आदमी कभी उनको ये पता नहीं है कि टाई कैसे लगाना चाहिए, कभी उनको ये नसीब नहीं होता कि हमको कोट टाई कैसे पहनना चाहिए, क्योंकि उनको वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, उनको ऐसा चांसेस ही नहीं मिला, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनालिटी ग्रोथ हो रहा है। कहाँ बेचारा रोड पे बैठ के रोटी खा रहा था, कहाँ आज किस तरीके से मैं रोड से आज मैं यहाँ पे आया हूँ, किस तरीके से आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, ये जो है नॉलेज शेयर हो रहा है, एक दूसरे को नॉलेज शेयर हो रहा है, ये एनर्जी, हमारा एनर्जी दूसरे के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों को जो है हमारा पर्सनालिटी ग्रोथ होना चाहिए, राइट। बहुत ऐसे लोग हैं कि 10 साल पहले एक लेबर पे काम करते थे, जब उनको नेपाल उनको घर आना होता है, एक दिन सिर्फ उनको अच्छा कपड़ा पहनने का नसीब होता है, तो वो पर्सनालिटी ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उनको ये बैड फील हो रहा है, ठीक है। हमारा पर्सनालिटी ग्रोथ हम लोगों को करना चाहिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। और डीएक्शन में हर एक लोग जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिस तरीके से पहले उनको बोलना नहीं आता था, आज वो किस तरीके से स्टेज पे जाके एक मैक लेके अच्छा से बोल रहे हैं, किस तरीके से लोगों को गाइडलाइन कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को एक्टिव बना रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पॉसिबल, कोई भी चीज संसार में इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल है, टाइम लगेगा, सीखेंगे, कर सकते हैं। ये सब चीज जो है आज पर्सनालिटी ग्रोथ लोगों को जो हो रहा है, ठीक है, ये हर एक आदमी का जरूरी भी है। यहाँ पे अचीवमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। काफी लोग हैं, इसीलिए मैं मेरे हार्ट में दिल से डीएक्सएल बिजनेस को इतना सीरियसली करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये चीज पता है, हम ये चीज हमको सिखाया गया है कि अचीवमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप डिग्री पा लेते हैं, ठीक है, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो डिग्री पाने के बाद में भी आप खुश नहीं होंगे। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने देखा होगा, वो प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन आज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पहले जितना खुश थे आज वो उतना खुश नहीं है, क्योंकि अचीवमेंट किया था लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, उनका उनका ग्रोथ नहीं हुआ। आप दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म में आप देख लीजिए, अचीवमेंट से आप कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते, अचीवमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। अगर आप मान के चलो, बहुत ऐसे लोग हैं बोलते मैं मेरे घर पे कमाई नहीं है, ठीक
ठीक है, अभी हमको क्या करना है, बाहर जाना चाहिए, अभी हमको विदेश जाना चाहिए। अगर वो विदेश जाते भी हैं नो प्रॉब्लम, वो जाएंगे जाते हैं, लेकिन अगर उनका इनकम के ऊपर अगर ग्रोथ नहीं हुआ, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, ठीक है, तो ये अचीवमेंट होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, बैड फील करते हैं, ठीक है, वो मतलब सैड फील करते हैं, ये सब लोगों को पता है। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हम डीएक्शन में जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट अचीवमेंट नहीं होना चाहिए, मैं स्टार रूबी बनूंगा, मैं स्टार डायमंड बनूंगा, मैं क्राउन डायमंड बनूंगा, हमारा अचीवमेंट पे टारगेट नहीं होना चाहिए, हम लोगों को ग्रोथ पे टारगेट होना चाहिए। अगर मैं डीएक्शन में स्टार डायमंड हो गया तो मेरा मान के चलो स्टार्टिंग बोनस अगर 3000 रियाल है तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ मेरा 3500 रियाल होना चाहिए, 4000 रियाल होना चाहिए, 5000 रियाल होना चाहिए, 10000 रियाल होना चाहिए। इस तरीके से हमारा ग्रोथ के ऊपर हमारा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे 100%, मैं कहता हूं आप इतने आगे जाएंगे, साथ में क्या होगा, आपका टीम भी बहुत ही आगे जाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ के ऊपर ही आप ध्यान दीजिए। आप डीएक्शन में डायमंड बनते हैं, कितना जल्दी आप अपने ग्रुप में 10 लोगों को डायमंड बनाएंगे, कितना जल्दी आपके ग्रुप में आप 50 लोगों को 20 लोगों को डायमंड बनाएंगे। ग्रोथ के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज आप 3000 रियाल कमा रहे हैं, अगर आपका टीम नहीं कमा रहा है, आपका पैसा टीम के ऊपर खर्चा होगा। लेकिन अगर आप 3000 रियाल कमा रहे हैं या 5000 रियाल कमा रहे हैं, आपके टीम में भी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिर्फ 2000 रियाल कमाने का आप एक सिस्टम बना देते हैं तो आपका पैसा सेव होगा, आपका पैसा टीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आप कितना जल्दी आपके टीम में 2000 रियाल ज्यादा कमाने वाले लोगों का ग्रोथ कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके वजह से इस पॉइंट को एकदम सीरियस हम लोगों को देखना चाहिए, एकदम ध्यान देना चाहिए। अचीवमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बहुत ऐसे लोग हैं एक टारगेट पे काम करते हैं, मुझको डायमंड बनना है, बस सिर्फ डायमंड बनना है, डायमंड के ऊपर हम लोगों को नहीं जाना है। क्या क्या हमारा 2000 रियाल इनकम आ रहा है, क्या हमारा 3000 रियाल इनकम नहीं चाहिए, 4000 रियाल इनकम नहीं चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत ऐसे लीडर्स हैं, अगर वो क्राउन डायमंड बन भी जाते हैं, बहुत ऐसे लीडर्स हैं डबल डायमंड बन भी जाते हैं, बहुत ऐसे लीडर्स हैं एजुकेटिव डबल डायमंड बन भी जाते हैं, मेहनत करते हैं पहले एक पोजीशन अचीव करने के लिए, डबल डायमंड डायमंड ठीक है, एजुकेटिव डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वो मेहनत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वहीं पे वो स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका टीम धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और वो नीचे हो जाती है, हम सब लोगों को पता है। तो बाद में वो क्या करते हैं, उनको बैड फील होता है, ठीक है, वो अनहैप्पी फील करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजर पॉइंट है, हम लोगों को आज से याद रहना चाहिए, हमारा टारगेट ही यही होना चाहिए कि अचीवमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी ने मुझको बोला था, अशोक जी अगर आप पैसा कमाते कमाते कभी थकना मत, अगर आप पैसा ज्यादा कमा लेंगे ना तो जितना हो सके लोगों को दान देना, लोगों को हेल्प करना, लेकिन थकना नहीं, पैसा कमाना बंद नहीं करना। एक आदमी मुझको बताया था, उस दिन से मेरा दिमाग घूम गया, मैं बोला ये यार कहाँ से क्या क्या सीखने को मिल रहा है अभी संसार में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रोथ हम लोगों को कभी भी लेके जाना चाहिए, हम लोगों को कभी भी अचीवमेंट के ऊपर सिर्फ ध्यान नहीं देना चाहिए, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्टार रूबी डायमंड क्राउन डायमंड क्राउन मास्टर हम बन गए कोई बात नहीं, हमारे पीछे बहुत लंबा लाइन है, सब लोगों को बनाएंगे, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम फ्रीडम। हर एक लोग फ्रीडम चाहते हैं, हम भी डीएक्शन में फ्रीडम चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग फ्रीडम चाहते हैं। हम लोगों को डीएक्शन के बारे में जब बताते हैं, हम डीएक्शन में फ्रीडम हो सकते हैं, हम लोगों को बताते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से फ्रीडम अचीव करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे डीएक्शन मतलब क्या है, एज एक टीम वर्क है, ठीक है। एक टीम मतलब हम लोग जो है सब लोग मिलके यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, एक टीम वर्क है, एक मतलब जो काफी लोगों को मिलके मतलब करने वाला एक बिजनेस है। अभी आप मान के चलिए एक आदमी जो नौकरी करता है, मान के चलो कोई भी इंसान मान के चलो, चलो 2000 रियाल कमाता है, कोई आदमी है जो 2000 रियाल, गल्फ से हमारा ये प्रोग्राम मतलब रिलेटेड है, इसी वजह से मैं रियाल के बारे में बात कर रहा हूँ।
2000 रियाल कमाता है, वो फ्रीडम फील क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो आज 2000 रियाल कमाता है लेकिन काम अकेला करता है। 10 साल के बाद में वो आदमी हो सकता है 2000 के जगह पे 4000 कमाएगा, लेकिन 10 साल के बाद में उसका 2000 इंक्रीज तो हुआ, लेकिन वो 10 साल के बाद में भी अकेला काम करेगा। इसकी वजह से उसका पैसा बढ़ेगा लेकिन कभी भी उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा। और आप लोगों को पता है कि आप अरबपति हो जाएं या करोड़पति हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास ऊपर वाले ने बोल दिया सिर्फ एक दिन का टाइम है, आप उस पैसे को क्या करेंगे? सो टाइम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। फ्रीडम हम लोगों को पैसा कमाने के कमा के सब कुछ नहीं होगा, पैसे के साथ में हम लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी भी फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। जितना टाइम यूज करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा, इस तरीके से लोग काम करते हैं। डीएक्शन में एक टीम होता है, यहाँ पे मान के चलो मैं आज डीएक्शन ज्वाइन किया, मुझको 10 रियाल सिर्फ इनकम मिल रहा है, मैं आज अकेला हूं, लेकिन मैं आने वाले टाइम हो सकता है मैं 10 लोगों को ज्वाइन कर देता हूँ, मेरा इनकम 50 रियाल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में 50 लोगों से मैं 500 लोगों को ज्वाइन कर दूंगा, मेरा इनकम शायद 500 रियाल हो जाएगा, शायद 50,000 लोगों को मैं डीएक्शन में ज्वाइन कर सकता हूँ, शायद मेरा इनकम 20-30,000 रियाल से भी ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जो है ना, यहाँ पे आपका जो टीम है ना, आपके के साथ आपका टीम है, जिसकी वजह से सिर्फ आप यहाँ पे काम नहीं करते हैं, आपका पूरा टीम काम करता है। कोई कारणवश अगर आप काम नहीं कर पाए तो आपका टीम काम करेगा, आप फ्रीडम रहेंगे। मान के चलो आज मुझको घूमने जाना है, आपका पूरा टीम घूमने नहीं जाएगा, आपको आज सोना है, पूरा टीम आपका नहीं सोएगा, लेकिन आज एक जॉब करने वाला आदमी, एक दुकान, आप मान के चलो ना, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि सेल्फ है, मतलब जो है बिजनेसमैन होते हैं कुछ लोग, जो हम अपने मतलब दुकान खोलते हैं पैसा लगा के, अगर वो एक दिन सो गए तो उनका दुकान बंद होगा, उनका कितना भी इनकम होता हो लेकिन उस दिन बंद होगा। इसकी वजह से डीएक्शन में रियल फ्रीडम है। तो हम लोगों को फ्रीडम के ऊपर काम करना है, हम लोगों को फ्रीडम अचीव करना है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और वो डीएक्शन में है, ये हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं। सो एवरी ग्रोथ इज पॉसिबल इन डीएक्शन। अगर आपको लगता है यस आज आर राइट, अगर आपको लगता है नो, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, नहीं तो आप बाद में मुझको मेरे फेसबुक पे कहीं से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि यस एवरी ग्रोथ इज पॉसिबल इन डीएक्शन, सब कुछ जो है डेवलप ग्रोथ डीएक्शन में हो सकता है, अगर आपको लगता है कि एक अनपढ़ आदमी डीएक्शन में पढ़ सकता है, डीएक्शन में लिख सकता है, एक अनपढ़ आदमी डीएक्शन में लोगों को सिखा सकता है, डीएक्शन के बारे में लोगों को बोल सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, एक अनपढ़ आदमी डीएक्शन में जो बहुत मुश्किल से 50,000 कमाने वाला आदमी अगर 2-4 लाख भी कमा सकता है, ये सब चीज अगर यहाँ पे हमको लगता है कि ग्रोथ अगर डीएक्शन में हो रहा है, ठीक है, अगर लोग अचीव कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आप बिंदास लोगों को इसके बारे में शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे, वो आपके साथ आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लो इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट, ख्याल करना चाहिए हम लोगों को ऐसा ऐसा पॉइंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है लो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा सा लगानी, अनलिमिटेड प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट का जो है आपको भंडार मिलने वाला है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, लास्ट में इसी स्लाइड में आपको सब कुछ मिलेगा कि ये चीज किस तरीके से हम 100% प्रूफ करते हैं लोगों को। लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, हम एक साबुन लेते हैं, साबुन लेते हैं ना, एक पेस्ट लेते हैं ना, एक कॉफी लेते हैं ना, ये लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और अनलिमिटेड प्रॉफिट, हम लोग का जो इनकम यहाँ पे है हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं क्यों आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं गूगल में सर्च करके एक बायोडाटा निकाला था जिसमें लिखा था ओनली ओवर 1% ऑफ इंडियन, ठीक है, ओनली ओवर 1% ऑफ इंडियन रेगुलर इंप्लॉइज अर्न मोर देन ₹50,000 पर मंथ, रिपोर्ट जो है मैं आप लोगों को शेयर किया। यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं इंडिया में, हम लोग नेपाल से हैं तो इंडिया से हमारे रिलेशन है, इसकी वजह से हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो 50,000 महीने का कमाते हैं, 1% लोग ऐसे हैं। तो आप बताइए 99% लोग
तो उससे नीचे है ना, ऐसे लोगों के पास क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करने का क्षमता नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, वो करोड़ों रुपया लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बहुत ऐसे लोग हैं जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से गल्फ में हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख बैलेंस नहीं है कि हम यहाँ पे आके एक शॉप खड़ा करें। अगर शॉप खड़ा भी करें तो 20 साल हमने वहां पे बिताया, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आके आके अपने घर पे फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से कड़ा मेहनत करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, डबल मेहनत हम लोगों को करना पड़ेगा। सो इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि लो इन्वेस्टमेंट, ऐसे लोग हमारे बीच में बहुत हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने का क्षमता नहीं है, उन लोगों को हम डीएक्शन के बारे में सिखा के, डीएक्शन के बारे में बता के हम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा बिजनेस अच्छे से हम आगे ले जा सकते हैं और उन लोगों को भी हम हीरो बना सकते हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं, काफी लोग हैं ऐसे। बात करो लो इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट, वो हंसेंगे, वो हंसते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। अरे जिसके पास पैसा है वो कुछ भी करेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, उसके लिए तो ये सब कुछ है ना, उसके लिए तो डिक्शन में दुनिया हो सकता है ना, डिक्शन में सब कुछ वो बना सकता है ना। इसकी वजह से हम लोगों को क्या करना है कि हमारे बीच में बहुत ऐसे दोस्त हैं जो एक अच्छा बिजनेस भी पा सकते हैं आपके माध्यम से, और उनकी वजह से आपका भी लाइफ स्टाइल में क्या होगा, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा, राइट। तो लो इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है, ये जो नारा हमारा डिक्शन कंपनी का है, इसमें काफी लोग जो है एडजस्टमेंट हो जाएंगे, ठीक है। काफी लोगों को ये चीज जरूरी है जो हमारे साथ में भी है, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, हमारा सपना, ये हमारा ड्रीम है। हर एक आदमी पैसा कमाना चाहता है, हर एक आदमी का सपना का घर होना, मतलब सपना का घर बनाना चाहता है, हर एक आदमी ये गाड़ी लेना चाहता है, हर एक आदमी वर्ल्ड टूर करना चाहता है, हर एक आदमी टाइम फ्रीडम चाहता है, हर एक आदमी पर्सनालिटी या मान सम्मान चाहता है, और हर एक आदमी क्या चाहता है, एक अच्छा हेल्थ चाहता है, हर एक आदमी चाहता है। हम भी बहुत ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं, लोगों को, दूसरों को हम क्या करते हैं, ब्लेम लगाते हैं, दूसरे के ऊपर हम औला उठाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे। आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये सब चीज मैं कहता हूं कि अगर हम नेपाल के बारे में बात करेंगे तो 95% लोग ऐसे हैं जिनका ड्रीम ये है लेकिन कभी पूरा नहीं होता, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनका ड्रीम ये है और पूरा होता है, सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं। 95% का पूरा नहीं होता है, सिर्फ 5% का पूरा होता है। आप 95% में है या 5% में, आप खुद बताइए। अगर आप 95% में हैं तो क्यों आप 95% में ऐसे हैं, आप बताइए। क्योंकि कभी भी, बहुत ऐसे लोग हम हैं, अगर हमको कोई बोले कि आपको महीने में 1 लाख कमाना है, ठीक है, हम कमा सकते हैं, हम सीधा गाली देंगे उसको, हम सीधा गाली देना शुरू करते हैं। अरे भाई तुमको कोई नहीं मिला था, मैं मिला था। अगर कोई अगर किसी को बात कर दे कि तुम्हारे पास 2 फ्लोर का घर होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, ठीक है, वो घर होना चाहिए तो सोच ही नहीं सकता है, वो पहले क्या बोलेगा, पैसा कितना लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा, उसका तो घर होना चाहिए, उसके तो दिमाग में ही नहीं है, उसके दिमाग में वो आता ही नहीं है। आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए, एक बाइक तो नहीं है, अच्छा एक गाड़ी कहाँ से आएगा, राइट। आपको देश विदेश घूमना चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम होना चाहिए, आपको आपके पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आप बिजी नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका मान सम्मान, आपके पीछे लोग होना चाहिए, ठीक है, आप काफी लोगों को सपोर्ट किए हो ऐसा, आपके पास एक टीम होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा हेल्थ होना चाहिए। आप लोगों को ये चीज बताओ, जो 95% में लोग हैं ऐसे चीज आप बताएंगे, वो आपको सीधा गाली देंगे। सीधा गाली मतलब क्या हुआ, आप सोच तक नहीं सकते हो, आप अचीवमेंट कहाँ से करोगे, आप बताओ। जब आप सोचोगे नहीं तो आप करोगे क्या। इसकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग अभी इस वेबिनार में हैं, अभी जो इस प्रोग्राम में हैं, जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप अचीव कर चुके हैं और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, आपके पास क्या है और आगे बढ़ते जाइए। अगर आप अचीव नहीं कर रहे, अगर आप अचीव नहीं किए हुए हैं, तो आप इस चीज के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपके पास रुपया होना चाहिए,
आप इसके बारे में सोचिए, मेरे पास रुपया होना चाहिए आप इसके बारे में सोचिए, आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए आपके लाइफ में आप इसके बारे में सोचिए, आपके पास कार तो होना चाहिए आप इसके बारे में सोचिए, आपको मतलब देश विदेश टूर होना चाहिए आप इसके बारे में सोचिए। मैं मानता हूं कि आज आप नहीं सोच सकते हैं, आपको डर लगता है, लेकिन सोचना शुरू करेंगे तो आप सोच सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं, आपका डर सब कुछ चला जाएगा। मुझको वो दिन याद है जब मैं 650 रियाल 700 रियाल में मैं काम कर रहा था कतार में, और मैं दोस्तों को जाके डिएक्शन के बारे में मैं बता रहा था, जब मैं शेयर रहा था कि हम लोग एक दिन विदेश घूमने के लिए जाएंगे, तो क्या बोलते थे पता है भाई, या अगर हम पा भी गए तो हमारा कंपनी छोड़ेगा नहीं, मतलब बता उनके थिंक में ऐसा ऐसा पॉइंट्स है कि अगर मैं अचीव कर भी ले अगर TSIP तो हमारा कंपनी छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जिस लेवल पे हम TSIP क्वालिफाई हो जाएंगे, जिस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, तो कंपनी हमको नहीं छोड़ेगा, हम खुद कंपनी को छोड़ सकते हैं। उस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे, उतना क्वालिटी हमारे अंदर हो जाएगा, उतना क्षमता हमारे अंदर हो जाएगा। लोग ये नहीं सोचते, ये सोचना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप आज अगर डर रहे हैं तो आप आज के पोजीशन के ऊपर आप सोच रहे हैं, लेकिन आज आप ये विदेश यात्रा नहीं करने वाले हैं ना, आप 1 साल का टाइम लीजिए, 2 साल का टाइम लीजिए, लेकिन थिंकिंग कीजिए, सोचिए कि आने वाले 2 साल के बाद में या आने वाले 1 साल के बाद में, आज मैं डिएक्शन शुरू कर रहा हूँ, कम से कम 10 देश 15 देश में मेरा मेंबर होना चाहिए। आज सोचिए, आज अगर वो 10 लोग 15 लोग 20 लोग अगर आने वाले 1 साल के बाद में या आने वाले 2 साल के बाद में अगर स्टार डायमंड बन गए, तो 100% आपके पास ये जो सपना में लिखा हुआ चीज है, जो ये पेपर में लिखा हुआ चीज है, वो सब आपके सामने होगा, सब आपके पास होगा। आप 95% में से नहीं रहेंगे, आप 5% में आ जाएंगे। लेकिन हम लोगों को आज हम सोच रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों को ये अचीव नहीं करना है ना, अचीव के लिए तो हमारे पास टाइम है, हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो 100% हम हमारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरा ड्रीम्स अचीव कर चुका हूँ, मैं आपको ऑलरेडी दिखाया, और बहुत सारा चीज बाकी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज से ये सपना देखना शुरू कीजिए, डरिए मत, शुरू कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ आपको पॉसिबल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर पावर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आपको बिलीव आना शुरू हो जाएगा, और आने वाले टाइम में 100% आप जो है, आप आज जो है आप सपना देख रहे हैं, आने वाले टाइम में जो 100% हकीकत होगा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड विल स्पीक, यू जस्ट हैव टू आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग आपको कुछ भी पूछेंगे, लोग आपसे कुछ भी मतलब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आपको लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, एक राइट आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास एक सही आंसर है तो आप बहुत आगे जाएंगे, एक दिन आप बहुत ऊपर जाएंगे। सो इसी की वजह से हमारे बहुत ऐसे लोग भी हैं, कहते हैं कि अगर हमको कोई भी जगह में अगर सफल होना है तो उस फील्ड का मास्टर हम लोगों को बनना पड़ेगा, ठीक है, एक एक्टिव सदस्य बनना पड़ेगा उस जगह का, हर चीज के बारे में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए, ठीक है, तो हम वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, हम काफी आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कितना क्वालिटी है, ठीक है, लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ बोल रहे हैं, आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको आपके बारे में पता होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपके कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि आज हमारा कंपनी जो नेचुरल कंपनी है, जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे जगह पे फैक्ट्री शुरू करके आज जो जो है अपना प्रोडक्शन जो है कर रहा है, अपने मैन्युफैक्चर कर रहा है, सब कुछ अपने कर रहा है, ठीक है, जिस तरीके से कंपनी हमारे ऊपर जो है काम कर रहा है, हम लोगों को आगे डेवलप करने के लिए जो कंपनी काम कर रहा है, ये सब चीज जो है हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग पारदर्शी होना चाहिए हमारी कंपनी के ऊपर, और बिलीव होना चाहिए हम लोगों को इस कंपनी के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, वही क्वेश्चंस है, लोग बोलेंगे आपको, बहुत कुछ बोलेंगे, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, आपके पास आंसर है या नहीं, आपके पास क्या आंसर है। अगर कोई आदमी बोलता है कोई भी चीज, ये मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव लोग बोलते हैं, सामान बहुत महंगा है लोग बोलते हैं, क्वालिटी क्या है। आपने देखा होगा, मैं एक फोटो रखा हूँ, टाटा नानो, टाटा नानो,
आप देखिए, आपने आप कहाँ पे हैं? आप कतर में हैं, दुबई में हैं, सऊदी में हैं, आप बहराइन ओमान में हैं, कुवैत में हैं, या आप नेपाल इंडिया में, आप कहाँ पे हैं? आप जब रोड पे चलते हैं ना, तो आपको कितना गाड़ी मिलता है? ये टाटा नानो आपको कितना मिलता है? कितना मिलता है? 10 मिलता है एक बार में, 20 मिलता है। जब ट्रैफिक जाम लग जाता है तो आपको 100 टाटा नानो दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता होगा, 100% नहीं दिखता होगा। सिर्फ 1 लाख पैसा है, इंडिया का पैसा सिर्फ 1 लाख है, और बाहर कितना हुआ आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सस्ता है ना, तो की तो हर गली में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, लेकिन लोग बाइक लेना पसंद करते हैं लेकिन टाटा नानो लेना पसंद नहीं करते। क्यों? प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव। अगर प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है, तो ये तो सस्ता है ना। कोई भी प्रोडक्ट सस्ता होता है, महंगा होता है। तो क्या सस्ता का ही सिर्फ लाइफ होता है? जो प्रोडक्ट सस्ता होता है, क्या सिर्फ उसी का लाइफ होता है? क्या सिर्फ उसी का मार्केट होता है? ये हम लोगों को सोचना चाहिए। अगर ये हम सोच सकते हैं तो हमारा टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है, और हम बहुत ही जल्द जो है डायरेक्शन में हाई पोस्ट अचीव कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर प्रोडक्ट के अंदर अगर क्वालिटी है तो लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही किनना अच्छा समझेंगे। वो पैसा वेस्ट, कोई भी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको नानो के बारे में पता ही है, चलते चलते आग लग जाता है। इसी ऐसे ही आप लोगों को हो रहा है, कॉफी पीते पीते गैस्ट्रिक हो रहा है, कॉफी पीते पीते गैस्ट्रिक से अल्सर हो रहा है, कैंसर हो रहा है। लाइफ कब किल हो जाएगा लोगों को पता नहीं है। आज के जो जमाना है, आज के टाइम में लोग जो है, लोगों को पता है हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के लिए बल्कि काम करके पैसा ज्यादा कमाएंगे लेकिन खाने पीने में कोई भी कंप्रोमाइजिंग नहीं करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। अभी लोगों को ये चीज, सभी लोगों को ये चीज पता है। अभी हर एक लोग ऑर्गेनिक चीज खोज रहे हैं, हर एक लोग विदाउट केमिकल, जिस चीज, जिस प्रोडक्ट के अंदर केमिकल ना हो, जो हमारे शरीर के ऊपर जाके काम करता हो, ना कि हमारा आवश्यकता पूरा करता हो, हमारा जरूरत पूरा करता हो। हमारा इच्छा पूरा करने के लिए लोग आज काम नहीं करते। बहुत ऐसे लोग हैं जो आवश्यकता, जो जरूरत और इच्छा में फर्क नहीं रखते। वो जरूरत का मतलब क्या हुआ? आपको प्यास लगा, आपको पानी चाहिए, दारू नहीं चाहिए ना। अगर आप दारू पीते हो आपका इच्छा है, आपको जरूरी नहीं है। आप सिगरेट पीते हो आपका इच्छा, आपको जरूरी नहीं है, राइट? इसी तरीके से आज लोग जो है ऑर्गेनिक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, हेल्थ के ऊपर वो फोकस करते हैं, हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास, मैं पहले भी आपको बताया कि दुनिया आपको बोलेगा लेकिन आपके पास सही आंसर होना चाहिए, राइट? हमारा जो प्रोडक्ट है, डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, अभी आप देख रहे हैं, हम बोलते थे डिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अभी दुनिया बोल रहा है कि डिएक्शन से बेहतर प्रोडक्ट दुनिया में कोई नहीं है। अभी हमारे फाउंडर 2020 से लेकर 2030 तक का गुडविल एम्बेसडर क्यों हुए हैं? क्यों? अगर प्रोडक्ट के अंदर अगर क्वालिटी नहीं होता तो क्या उनको गुडविल एम्बेसडर बनाया जाता 10 साल के लिए? आप सोच सकते हैं। इसकी वजह से आज हम इस लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। हमारा, हमारे फाउंडर हमारे लिए इतना तक कर चुके हैं, थोड़ा सा अध्ययन करके, थोड़ा सा पारदर्शी होके, थोड़ा सा सही क्या है गलत क्या है हम लोगों को क्लियर करके, हम लोगों को मार्केट में जाके धूम मचाना है। उससे ज्यादा हम लोगों को कुछ करने का जरूरी नहीं है, राइट? सो आज से अगर कोई भी इंसान अगर आपको ये बोलता है कि प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, तो क्वालिटी है थोड़ा बहुत महंगा होगा। अगर क्वालिटी नहीं है तो फ्री में आपको देगा तो आप लेके आएंगे? कोई भी चीज लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। मान के चलो मैं आपको सब्जी देता हूँ, आप घर पे लेके जाइए, लेकिन सड़ा है, आप लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। लेकिन आपको फ्री नहीं बल्कि मैं पैसा दू, मैं आपको पैसा लूंगा आपसे, लेकिन अगर वो सब्जी के अंदर अगर क्वालिटी है, सब्जी खाने लायक है, खाने योग्य है, तो आप लेके आएंगे, राइट? इसकी वजह से हम लोगों को कोई भी, अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, तो क्वालिटी के बारे में भी बात करना जरूरी है, हम लोगों को बात करना चाहिए, राइट? सो आज से हम लोगों को ये नहीं कहना है भाई मैं जा रहा हूँ, किसी से बात करता हूँ तो क्या बोलता है, सामान महंगा है, सामान महंगा है। सामान महंगा होने से क्या होता है? क्वालिटी है ना। अगर आप क्वालिटी लोगों को समझा सकते हैं तो हमारा सामान इतना महंगा नहीं है, इसीलिए तो कहा जाता है लो प्राइस हाई क्वालिटी। ये जो क्वालिटी है इसके ऊपर तो और पैसा होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर लिम सियो जीन जैसे हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, कि उनका नेचर है हेल्थ को, मतलब सोशल को हेल्प करना, लोगों को मदद करना, इसकी वजह से उन्होंने प्राइस को और ही
कम करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से मार्केट कर सकते हैं, अच्छा से हम लोग सीखेंगे, अच्छे से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज स्पेशल अबाउट सक्सेसफुल पीपुल, बहुत ही मेरा फेवरेट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज स्पेशल अबाउट सक्सेसफुल पीपुल, क्या खास है उन सफल लोगों के अंदर, आपको ये देखना है आपके अंदर क्या है, सफल लोगों के अंदर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसा नौजवान जिसके पास डिग्री तो थी पर नौकरी नहीं थी, फिर परिवार के ही एक सदस्य के द्वारा डिएक्शन से परिचय होता है, माँ को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाते हैं और डिएक्शन पाउडर की पावर से परिचय होता है, फिर डिएक्शन में कैरियर बनाने का निश्चय करते हैं, बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे तो अपना सीडी प्लेयर बेचकर पैसे जुटाए, बाहर तो छोड़िए अपने घर में ही डिएक्शन बिजनेस का कड़ा विरोध सहना पड़ा पर डटे रहे, हार नहीं माने, बाद में पैदल से साइकिल हुआ, फिर सेकेंड हैंड बाइक हुआ, फिर नई बाइक हुआ, फिर नई कार हुआ, फिर वर्ल्ड टूर। आपको यहाँ पे खास क्या लगा, आप यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर देता हूं खास चीज, डिएक्शन में परिचय होने के बाद में डिएक्शन में कैरियर बनाने का निश्चय करते हैं, सब लोग कैरियर बनाने का निश्चय करते हैं, बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, जिसके पास पैसा होता है वो बिजनेस नहीं करता है, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं थे तो अपना सीडी प्लेयर बेच के पैसे जुटाए, दैट्स इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपना सीडी प्लेयर बेच के, मतलब क्या हुआ, उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, उनको कोई किस्म का एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई किस्म का उनको समस्या नहीं दिख रहा है, उनको सिर्फ आगे बढ़ना है तो उनको आगे बढ़ना है, पैसा नहीं था सीडी प्लेयर बेच के भी उन्होंने पैसा जुटाया। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सर पीवी कीजिए ना, पूरा महीना 25 तारीख तक आदमी गायब रहता है, ना तो बुक पढ़ेगा, ना तो डिएक्शन का कोई प्रोग्राम देखेगा, बल्कि बुक से ज्यादा पैसा बाहर खर्चा कर देगा फालतू चीज में, बल्कि डिएक्शन का प्रोग्राम देखने से ज्यादा एमबीआर टाइम YouTube में लगा देगा और फिल्म देख के दुनियादारी करके ऐसे टाइम जो है लोग वेस्ट करते हैं, जब दो तीन दिन बाकी होता है उसके बाद में स्पॉन्सर के पास फोन करते हैं, सर मैं तो बिजी हूँ, मैं तो काम में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरा पीबी कर दीजिए, बहुत ऐसे लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझको बहुत समस्या है, मेरे घर पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझको पैसा हेल्प कर दीजिए, मुझको पैसा चाहिए, ये सब चीज लोग बोलते हैं, मतलब उनके अंदर समस्या है, उनको समाधान नहीं करना, उनका समस्या दूसरा आदमी जो है समाधान करना चाहिए, ये खासियत है एक सफल आदमी के अंदर। जो आदमी सफल होता है, ठीक है, कोई भी आदमी आप किसी को भी देख लो, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर खुद लेता है, ठीक है, वो कुछ भी करना पड़े तो वो स्वयं करता है, वो खुद करता है, वो दूसरे के ऊपर अहुली नहीं उठाता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, बहुत ऐसे लीडर्स यहाँ पे हैं, क्या बोलते हैं सर मैं डिएक्शन करना चाहता हूँ, आप मुझको 300 पीबी का सामान दिला दो, क्या आपके पास 300 पीबी का सामान नहीं लेना है, आज मैं अशोक कुमार गिरी, धन कुमार सर ने मुझको डिएक्शन में इंट्रोडक्शन करके लेके आए थे, आज मैं लाखों कमा रहा, क्या मैं धन कुमार सर को दे रहा हूँ, अगर मैं धन कुमार सर को शायद उनके बारे में अगर मैं नेगेटिव सोच के या मैं मेरे पर्सनल फायदे के लिए अगर मैं शायद उस समय अगर कुछ डिमांड रखा होता, अगर धन कुमार सर उस समय मुझको कुछ गलत बोल देते तो आज धन कुमार सर का लाइफ नहीं अशोक कुमार गिरी का लाइफ फील होता, राइट। तो इसकी वजह से आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, सलाह सुझाव सब आप स्पॉन्सर से लीजिए, राइट, अगर कुछ कमी कहीं से अगर आ रहा है तो आप उसको मैनेज कीजिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, 100% आने वाले टाइम में आप बहुत ही बड़ा लीडर बनेंगे। अगर आप समस्या शेयर करेंगे, अगर आप अपना जो आपको जो भी कुछ मतलब गलती फील हो रहा है, अगर आप वो चीज अगर दूसरे के ऊपर अगर डालना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हर एक लोग आपका साथ छोड़ देंगे, आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इसकी वजह से
आप लोगों को क्या करना है कि डिएक्शन में सफल बनना है, आप लोगों को डिसीजन लेना है और आप लोगों को ये प्लान जो है क्रिएट करना है और उसी प्लान के ऊपर आपको काम करना है। कुछ कमी होता है, कुछ अगर आप लोगों को डिसबैलेंस होता है, कुछ मतलब अगर कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, आप स्पॉन्सर का साथ दीजिए, ग्रेट स्पॉन्सर का साथ दीजिए। बहुत ऐसे लीडर्स हैं, आप बहुत ऐसा मतलब जूम मीटिंग हो रहा है, आप ये सब चीज में जो है आप भाग लेके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, माय स्टोरी जीरो टू हीरो इन डिएक्शन। अभी का जो मेरा स्टोरी है, जो मैं काफी चीज शेयर किया, शायद रिलेटिव भी होगा और मैं अभी शेयर करूंगा। तो ये मैं अशोक कुमार गिरी हूँ, जो कतार में काम करने के लिए गया था आज एक कंपनी में। अभी आप सोचो कहाँ से कहाँ हूँ कि रोड में बैठ के रोटी खा रहा था, आज मैं नेपाल में हूँ। साइड में प्राउड फील करता हूँ कि यही वो एक टाइम था। और मैं बार बार कहता हूँ कि योर डिसीजन इज योर डेस्टिनी। ठीक है,